नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेद आचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, गठिया, आम बात, रूमेटाइड अर्थराइटिस, इसको कहा जाता है गठिया बोला जाता है, आम बात बोला जाता है, रूमेटाइड अर्थराइटिस बोला जाता है, ये किस कारण होती है और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इस सब के विषय में आप लोगों को पता होता है, मैंने अपने वीडियोस में भी बताया है। मैं इसका केवल एक विशेष इलाज आपको बताने जा रहा हूं, वीडियो अंत तक देखिएगा। बहुत ही सरल घरेलू इलाज है, आपका पैसा बहुत कम लगना है और 6 सप्ताह में, मात्र 6 सप्ताह में आप गठिया रोग से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रयोग सैकड़ों वैद्यों ने अपने हजारों पेशेंट्स पे किया है और उन्हें पूरा लाभ मिला है, और मैंने भी अपने कई पेशेंट पे किया है। और वो पेशेंट मुख्यतः जिनके पास पैसा बहुत कम है, लंबे समय तक पैसा नहीं लगा सकते हैं गठिया में, क्योंकि गठिया एलोपैथिक ट्रीटमेंट से तो ठीक होता नहीं है, उसके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी 10 से 12 महीने 15 महीने चलाना पड़ता है। तो उन पेशेंट्स के लिए विशेषतः जो पैसे खर्च नहीं कर सकते, उनके लिए ये अमृतदायी योग है। आपको करना सिर्फ ये है कि आपको एक लीटर गाय का शुद्ध दूध लेना है, 1 लीटर गाय का शुद्ध दूध लेना है। उसमें लहसुन की दो बड़ी कलियां होती पोथी, लहसुन की दो बड़ी पोथी छील कर और उनके छोटे छोटे टुकड़े चाकू से कर दीजिए, बिल्कुल बारीक बारीक से टुकड़े करके उसमें दूध में डाल दीजिए। अब उस दूध को तब तक गर्म करिए, उस 1 लीटर दूध को, ये आपको करना है कब, शाम के समय। तो उस लहसुन मिले हुए दूध को तब तक गर्म करिए जब तक वह 1 लीटर दूध 1 पाव ना बच जाए उबलते, बहुत गाढ़ा हो जाएगा वो दूध। चम्मच से हिलाते भी रहिए उस दूध को, और जब वो 1 पाव शेष रह जाए तो अच्छे से चम्मच से हिलाइए इस तरीके से कि लहसुन के जो टुकड़े हैं वो पूरी तरह से उस दूध में घुल जाएं, एक सार हो जाएं। अब उस दूध को ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब वह दूध ठंडा हो जाए तो रात में सोने के पहले उस 1 पाव दूध को सेवन कर लीजिए, उस 1 पाव दूध का सेवन कर लीजिए, उसे पी लीजिए। ऐसा यदि आप निरंतर 6 सप्ताह तक करते हैं तो दोस्तों, कितना भी कठिन गठिया हो, आपका गठिया पूरी तरह ठीक हो जाएगा, रूमेटाइड आर्थराइटिस पूरी तरह ठीक हो जाएगा, बशर्ते वो किसी और रोग के कारण ना हुआ हो। स्वतंत्र गठिया हो, रूमेटाइड आर्थराइटिस हो, निश्चित है कि वो पूरी तरह ठीक होगा और 6 सप्ताह में यानी कि 42 दिन में ही आपका गठिया पूरी तरह ठीक होगा। रेगुलर इसका प्रयोग करना है, गैप नहीं करना है, और जब इसका सेवन करते हैं तो उसके बीच में मिर्च मसाला, ज्यादा खटाई, ज्यादा तेल की चीजें, ज्यादा मिठाई, बाहर का नाश्ता, जंक फूड, फास्ट फूड, मटर, बैगन, सहमी भिंडी आदि का सेवन नहीं करना, परहेज करना है, मूंग की दाल, रोटी, लौकी, परवल, भाजी, अनार, पपीता, सेव आदि का सेवन करना है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको 6 सप्ताह में ही गठिया से निजात मिल जाएगी, आम बात आपकी 6 सप्ताह में ही खत्म हो जाएगी, रूमेटाइड आर्थराइटिस आरए से आप पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। और जो आरए फैक्टर आपको पॉजिटिव दिख रहा था, हाईली पॉजिटिव दिख रहा था, डेफिनेटली डेट विल बी नेगेटिव, पूरी तरह ये नकारात्मक पहुंच जाएगा यानी खत्म हो जाएगा, और आप पूरी तरह दर्द, सूजन, जकड़न आदि से मुक्त हो जाएंगे। और आम बात गठिया में तो आप इसका प्रयोग कर ही सकते हैं, साथ ही साथ साइटिका में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, और किसी भी प्रकार के हड्डियों के दर्द में, जोड़ों के दर्द में, कमर के दर्द में भी इसका प्रयोग उतना ही लाभप्रद है। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप जरूर इसका प्रयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप इसका प्रयोग करिए, पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपको पूरा फायदा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, बहुत कम पैसा आपका खर्च होता है, लगभग ना के बराबर जितना की गठिया के रोगी को सालों में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और कोई आराम नहीं मिलता। तो इस प्रयोग को केवल 42 दिन करने से आपको क्यों हर्ज हो, इसका प्रयोग जरूर करिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों में व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा मिल सके। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन ज्यादा से ज्यादा संख्या में दबाइए, ताकि ये वीडियो रैंक कर सके, ये वीडियो लिस्ट में सबसे ऊपर आ सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो से फायदा मिल सके और वो अपनी गठिया से पूर्णतः मुक्त हो सके।
तो ज्यादा संख्या में शेयर करिए, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्किल में लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोज आए, ऐसे ही नुस्खे आपको मिलते रहे, तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान जरूर दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी गंभीर बीमारी की दवा बुलवाना चाहते हैं, तो यहाँ स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर अपनी सारी डिटेल्स भेज दीजिए, फिर मैं आपको मैसेज करूंगा, मुझे कॉल करें, तब आप मुझे कॉल करें, फिर बताऊंगा कितने माह तक दवा चलानी रही, माह की दवा की कीमत क्या होगी, वह कीमत एडवांस पेमेंट करने पर आपको दवा भेज दी जाती, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं है। बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी दवा आपके घर तक सुरक्षित पहुंचेगी, समय पर पहुंचेगी, कभी ये गफलत नहीं होती कि आपने पैसा जमा किया और आपके पास दवा ना पहुंचे, ये मेरी विश्वसनीयता है। मैंने आज तक हर पेशेंट को दवा भेजी है, कोई पेशेंट हो ऐसा बता दे कि मेरी दवा उस तक ना पहुंची हो, तो दोस्तों विश्वास करके आप दवा बुलवाइए, आप तक दवा पहुंचेगी, पहले ही माह से आराम मिलना प्रारंभ होता है। और दोस्तों, यदि आपके पास उतना पैसा नहीं है जितना मैं आपको बोलता हूं कि इतना खर्च होगा, मैं बहुत अच्छी दवाइयां मिलाता हूं तो थोड़ा महंगा पड़ता है, तो यदि आपके पास उतना पैसा नहीं, तो अपना क्राइटेरिया बताइए कि सर मैं इतना खर्च कर सकता हूं, 1000, 1500, 1500, 2000, जितना भी आपका क्राइटेरिया है, उसके अंदर ही मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखकर, अपने पर्चे पर दवा लिखकर आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। आपको 500 रुपए प्रिस्क्रिप्शन फीस जमा करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं आपको पर्चा लिख के भेज दूंगा। आप अपने इलाके में ही आयुर्वेद दवा की दुकान से वो चीजें ले सकते हैं और उसका सेवन करके पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं, परंतु हर महीने आपको मुझसे प्रिस्क्रिप्शन लिखवाना है, अपना सुधार बता दें कि आपको इतना आराम, उसके आधार पर मैं प्रिस्क्रिप्शन बदलूंगा, हर महीने प्रिस्क्रिप्शन फीस आपको लगेगी, परंतु फिर भी वो इतना सस्ता पड़ेगा, लगभग आधे से कम मूल्य में ही आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये विकल्प आपके लिए बहुत अच्छा है, उम्मीद है कि आप इन दोनों विकल्प में से कोई ना कोई विकल्प चुनके अपने रोगों को पूरी तरह खत्म करेंगे। आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इतना कीमती समय दिया, उसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।